कुछ भी नहीं पता है। ग्रामीण बैंक से मतलब ग्रामीण इलाके में क्या फायदा होता है? ग्रामीण बैंक की सर कुछ उन्हें एक टारगेट दिया जाता है, जैसे PSL प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, उसके माध्यम से हमें अपने डिपॉजिट का कुछ हिस्सा जो होता है वो ग्रामीण क्षेत्र में इन्वेस्ट करके उन्हें देना दिया जाता है। कुछ हिस्सा 75% PSL जो होता है वो 100% नहीं कर सकते हैं? हाँ दे सकते हैं, लेकिन उनका 75% तक जो होता है वो ग्रामीण क्षेत्र में ही विकास के लिए, इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए दिया जाता है। इंक्लूसिव ग्रोथ मीन्स उन मेनली वो लोगों को, सभी लोगों को एक साथ सतत विकास के लिए दिया जाता है, जिससे कि वो उनका ग्रोथ अच्छे तरीके से हो सके। तो ग्रोथ किन क्षेत्रों में हम लेंडिंग करेंगे तो ग्रोथ होगा, इंक्लूसिव ग्रोथ होगा? जैसे सर एजुकेशन, माइक्रो MSME, छोटे छोटे जो किसान होते हैं अगर किसी तरीके से बिजनेस करना चाहते हैं। MSME का फुल फॉर्म क्या होता है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। इससे क्या फायदा होता है? छोटे छोटे जो बिजनेसमैन होते हैं अगर कोई बिजनेस करना चाहता है, उनके पास अगर कैपिटल नहीं है तो हमारी बैंक उसमें उसकी सहायता करती है। सहायता कर। किस सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किया आपने? हिस्ट्री ऑनर्स। बाप रे, हिस्ट्री। हाँ, छोटे छोटे लोगों की सहायता करती है तो सरकार के द्वारा कौन कौन सा स्कीम चलाया जा रहा है छोटे छोटे लोगों के? जैसे सर अभी वर्तमान में निकला है विश्वकर्मा योजना, किसान सम्मान योजना, जिसके तहत उन्हें सहायता दी जाती है। सम्मान योजना में सहायता दी जाती है, ठीक है? जी सर। योजना में तो सिर्फ पैसा दे दिया जाता है। जी सर। कुछ ऐसा चीज जिससे लोगों को मदद मिले, रोजगार मिले, उनका तरक्की हो, ऐसी कौन कौन सी योजना है? फसल बीमा योजना भी सर निकल सर, उसके बाद ज्यादा सर रिकॉल नहीं कर सकते। सम्मान योजना बताया जी सर, मैंने पढ़ा है लेकिन रिकॉल नहीं। पीएम स्वनिधि का नाम सुना आपने? जी सर। पीएम स्वनिधि सर, सिविल का नाम सुना है? आजकल बड़ा होता है लोन लेने, आप जाते हो बोलते हैं सिविल स्कोर, सिविल स्कोर। जी सर। क्या है सिविल? सिविल स्कोर सर उसमें मेनली अगर किसी ने बैंक से लोन लिया है और वह अगर सही तरीके से सही लोगों को सही समय पर अगर अपना लोन चुकाता है तो उसमें 600 से 900 तक को उसमें स्कोर दिया जाता है। तो अगर किसी की लोन उसमें सिविल स्कोर अगर 900 कहाँ पढ़ लिया, 600 से 800 तक सर एग्जैक्ट नहीं मालूम है, याद नहीं है सर, मैंने पढ़ा है 300 से 900 तक। अच्छा जी सर, स्कोर दिया जाता है? जी सर। क्या स्कोर देता है वो? सर उसमें तीन कैटेगरी में दिया जाता है उसमें स्कोर, एग्जैक्ट सर डिस्क्राइब करके नहीं बता है। अच्छा, अगर आप पहली बार लोन लेने जाते हैं? जी सर। आपने नहीं लिया, कभी लोन लिया ही नहीं, तो आपका स्कोर क्या होगा? सर वो अभी तो उसमें तो कोई स्कोर नहीं होता है, लेकिन सर एग्जैक्ट नहीं मालूम। कोई बात नहीं, सिविल का फुल फॉर्म क्या है? समाज के हर एक वर्ग को पैसे नहीं चाहिए और गवर्नमेंट आपके लिए नहीं कर रही।